नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्चना माइंड हिप्नोटिज्म चैनल से। एक आम इंसान का स्वभाव कितनी खूबी से संत कबीरदास जी ने इस दोहे में उतारा है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अर्थात जब मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है तो वो खुशी से झूम उठता है, अपने सुख में खो जाता है और अपनी एक्साइटमेंट में प्रभु को तो भूल ही जाता है। इसके ठीक विपरीत जब दुख की घड़ी आती है, कष्ट दिखाई पड़ते हैं, तो सर्वप्रथम उसे प्रभु का ही नाम सूझता है। ये कुदरती तौर से होता है और दिल से प्रार्थना निकलती है कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। आइए हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं दोस्तों। इस दोहे की जो सेकंड लाइन है वो हमें फॉलो करने की एडवाइस दी गई है और वो बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई। इसको देखते हैं हाउ इट वर्क्स। जब सुख यानी अच्छा समय चल रहा होता है तब हम अगर बिना भूले ईश्वर का ध्यान करते हैं, यानी आभार में रहते हैं, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, व्यक्ति की जिसके ज़रिए हमको कुछ मिला या उन सर्कमस्टांसेस की कद्र करते हैं, उसे वैल्यू करते हैं, अपना सिर झुकाते हैं और आभार से हम रहते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, तो हमारी खुद की ही वाइब्रेशंस दोस्तों पॉजिटिव हो जाती हैं। हमें संतोष की प्राप्ति होती है और ये रिच वाइब्रेशंस हमारे अवचेतन मन को पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस प्रदान करती हैं, जिससे सुख समृद्धि अपने आप ही स्वतः ही हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और हमारे साथ ही रहती हैं लंबे समय तक। हमारी तकलीफें दूर हो जाती हैं, हम बहुत स्पेशल और ब्लेस्ड फील करते हैं फ्रेंड्स। हमें ये कॉन्फिडेंस आता है कि भूले भटके कोई छोटी मोटी तकलीफ आ भी गई तो चूंकि हमने अपने अवचेतन मन की बैटरी को रिचार्ज किया हुआ है अच्छी तरह से, आभार व्यक्त करते करते, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते होते और खुश रहते रहते, तो हमारी जब बैटरी चार्ज होती है मन की तो तकलीफों को भी बहुत सफलता से क्रॉस करती हैं, हम लोग क्रॉस कर पाते हैं। तो दोस्तों आइए, जब हम ये मैकेनिज्म अब अच्छे से समझ ही गए हैं सरल शब्दों में, तो इन्हीं प्रिंसिपल्स को अपनाते हुए अपने जीवन को बनाएं एक उत्सव और अपना भविष्य बेहद उज्जवल। कोई भी सफलता, सुख, अच्छा अवसर, संपत्ति, यश, प्यार और सम्मान जब भी मिले तो हमें क्या करना चाहिए? बिना भूले परमपिता परमेश्वर के चरणों में अपना सिर झुकाना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए और अगर हम ऐसा करेंगे तो, सुख में सुमिरन करेंगे तो दुख काहे को होए। इस तरह हम खुशी खुशी अपने जीवन की यात्रा करते रहेंगे, उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, हमारी नैया सुख से पार लगेगी। तो दोस्तों मैं तो ऐसा करती आई हूँ बहुत सालों से, मुझे बचपन में ही ये संस्कार मिला था अपने माता पिता से और मुझे अपने जीवन से कतई कोई शिकायत नहीं फ्रेंड्स। आपके लिए भी इसी चीज़ की कामना करते हुए आइए साथ मिलके करें सुख में सुमिरन। खुश रहिए, सुखी रहिए, आबाद रहिए। जल्दी मिलूंगी, अभी के लिए टेक केयर, बाय।